हेलो फ्रेंड्स, मैं सरवर इमाम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ 5 मिनट्स अर्थमेटिक में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं मिक्सर का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। आशा करते हैं कि आपने पहले के पार्ट देखे हैं, उन्हें शेयर किया है और आप लोग का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, तो ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस सीरीज में मैं आपको आज कराऊंगा दो मिक्सचर को जब हम मिलाते हैं, एक अलग मिक्सचर है मिल्क और वाटर का या किसी चीज़ का, दूसरा अलग मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। दोनों को आपस में मिलाएंगे तो उसका जो नया मिक्सचर बनेगा उसका क्या रेशियो होगा, ये हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार मैं बनाऊंगा इक्वल क्वांटिटी, दूसरा बार मैं बनाऊंगा डिफरेंट क्वांटिटी। फिर उस पर कुछ आपको होमवर्क मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर चूंकि मुझे 5 मिनट में कंप्लीट करना है तो ध्यान रखिएगा, मैं एक फ्लो में बताऊंगा। आपको एक बार में क्लियर नहीं हो तो रिमाइंड करके 2 बार 3 बार देखिएगा, पक्का समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको अगर पहले से आता है तो वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो मैं ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा सॉल्यूशन समझाऊंगा। हमारे पास दो एक धातु है गोल्ड और कॉपर का, समझ रहे ना। एक में जो रेशियो है, मतलब दो एलॉय है, हाँ, इसमें क्या है कि एक में जो रेशियो है हमारे पास जो है, एक में 7:9 के रेशियो में गोल्ड और कॉपर और दूसरे में है 5:3 के रेशियो में। अब कह रहा है कि दोनों को मिला देंगे, और कैसे मिलाएंगे, यहाँ पर बता रहा है इक्वल में मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, बराबर मात्रा में मिलाएंगे। तो मिलाएंगे जो तीसरा जो बनेगा तो इसमें रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं, ये मिक्सचर का क्वेश्चन, थोड़ा सा फर्क होता है एलिगेशन और मिक्सचर में। मैं अभी आपको मिक्सचर कराऊँ फिर एलिगेशन कराऊंगा। तो करना क्या होता है इसके लिए गाइस, करना क्या होता है, देखिए कुछ नहीं, आपके पास 7:9 है पहला में, दूसरा जो है सेकंड में आपका 5:3 है, हो गया दोनों। अब आपको दोनों को मिलाना है तो आप सीधे इसको जोड़ सकते हो, कर सकते हो, जोड़ सकते हो, बिल्कुल जोड़ सकते हो। लेकिन एक लाइन बोल दिया कि इक्वल क्वांटिटी, मतलब इसका जो टोटल है वो आपका इक्वल होना चाहिए। तो क्या है, नहीं है इक्वल। अगर ये इक्वल टोटल होता तो सीधा जोड़ देते हम, हमारा गोल्ड और कॉपर ये दोनों हम लोग जोड़ देते और ये हमारा इजिली बन जाता गाइज, ये हमारा इजिली बन जाता। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी क्या करेंगे, पहले टोटल को हम लोग इक्वल करने जाएंगे। इक्वल कैसे करेंगे वो देखिए, ये टोटल 16 है तो ये 8 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये तो एज इट इज 7:9 रह जाएगा, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 और ये 16 हो जाएगा। तो आप जब जोड़ोगे इसको, सॉरी 10 और ये 6 हो जाएगा, ये 10 और ये 6 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो 17 और 15 इज द राइट आंसर, 17 एंड 15। क्या किया फिर से देखो, हमने टोटल को बराबर किया। क्यों किया बराबर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इक्वल क्वांटिटीज, तो इस रेशियो में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 10 आ गया और यहाँ 6 आ गया। अब सीधा ऐड कर देना है 17 और 15। तो इस पर मैं अभी और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा नहीं, होमवर्क होगा वो प्रैक्टिस के लिए होगा। तो ये कब ऐसा करेंगे, जब इक्वल क्वांटिटी दिया रहे, ऐसा 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अब मैं आपको अगले प्रश्न पर ले चलता हूँ। अभी क्या है कि दो मिक्सचर को मिलाएंगे हम डिफरेंट क्वांटिटी या रेशियो में, अलग अलग रेशियो में होगा, इसको समझ लीजिए। एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, देखिएगा। कॉपर और जिंक का जो रेशियो है, कॉपर और जिंक का रेशियो एक में 8:3 है, एक में 15:7 है, पहले वाले में और दूसरे वाले में, ठीक है। इस बार दोनों को मिलाए, दोनों ब्रास को, ये ब्रास है, ये दोनों ब्रास है, मिलाए और मिलाने इक्वल में नहीं मिलाए, देखिएगा 5:2 में मिलाए। 5:2 का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पहले में से अगर 5 kg लेते हैं तो दूसरे में से 2 kg लेते हैं, ऐसा है। तो इसको कैसे करते हैं, ठीक है, सेम का। पहले आप टोटल देखिए, टोटल 11 है और ये टोटल 22 है। तो हमने जो पिछले स्लाइड पे किया था वो हमें यहां भी करना होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 2 से मल्टीप्लाई हमें क्यों करना पड़ा, बराबर करने के लिए। बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इस रेशियो में बांटना है। देखिएगा, किसी दो अलग अलग रेशियो को एक पर्टिकुलर रेशियो में बांटना है तो पहले इक्वल करना जरूरी होता है, ये फिक्स रूल है। तो पहले इक्वल किया आपने, उसके बाद जो रेशियो गिवन रेशियो है, जो रेशियो में मिलाना है, पहले वाले को 5 और दूसरे वाले को 2, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई इकट्ठे करेंगे। अब देखिएगा, ये रेशियो जो है आपस में कट जाएगा,
अब सिर्फ यहाँ जो बचा इसको ऐसे ही बनाना है, ये 40 और ये 15 बचा, और इधर कुछ नहीं है नीचे, तो ये हमारा 15 और ये मेरा 7 बचा, तो ये मेरा 55 और ये मेरा 22। आप इसको फिर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 5:2 हमारा आंसर है, 5:2 हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर कैच देखिए क्या है, इक्वल तो किया हम लोगों ने जैसा पिछले किया, और जो नया रेशियो है वहां मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कटने वाला है आपस में काट देंगे, नहीं कट रहा है मान लो, नहीं कटता तो हम क्या करते हैं, ये 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करते और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सामने सिंपली ऐड कर देते। ठीक है गाइज, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा दूं जो आपको करने हैं। ये है क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, इसमें आंसर दिया हुआ है। इसमें देखिए इक्वल क्वांटिटी में मैच करा रहे हैं, ये दो क्वेश्चन है इक्वल क्वांटिटी में मैच करा रहे हैं, इसका आंसर दिया हुआ है। आप मेथड देख के बनाइएगा ज़रूर, अगर आप सच में चाहते हैं ये टाइप आपको आ जाए तो। दूसरा क्या है, इसमें तीन क्वांटिटीज है 5, 7, 7, 2, और इसको भी हम लोग है ना इक्वल क्वांटिटी है, तो इसको भी बना लीजिएगा, इसका आंसर दिया हुआ है। और तीसरा जो गाइज है ये क्या है आपका, ये अलग अलग, पहले में से 2 गैलन लेते हो और दूसरे में से 3 गैलन लेते हो, अलग अलग मिक्सचर है, तो इसका भी आंसर गाइज दिया हुआ है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप ज़रूर बनाइएगा। और इसके साथ ही दोस्तों एक और क्वेश्चन है, इसमें भी 5, 7 है और 7, 2 है, और इसको 8 और 3 के अनुपात में मिलाया गया है, इसका भी आंसर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर बनाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और ये इनिशिएटिव है, इसको जरा हेल्प कीजिएगा, इसको वायरल कीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, लाइक कीजिएगा वीडियो को ज़रूर, प्लीज़। आप लोग व्यू कर रहे हो, देख रहे हो बट लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों को बांटो, दूसरों का मदद करो, धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों कल, ये डेली वीडियो आएगा इसकी मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू।